वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की यूनिट टू अकॉर्डिंग टू द AKTU सिलेबस, जो कि ये हमारे टॉपिक्स हैं यूनिट टू में, उनको कवर करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेफिनेशन है, फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कमांड बेस्ड एंड GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंदर हम देखेंगे ओवरव्यू, टाइप्स, लैन वैन मैन, डेटा कम्युनिकेशन एंड टोपोलॉजीज। तो ये जो यूनिट टू है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स की AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसके अंदर जो है ये दो अपने सब्जेक्ट्स के बेसिक्स का मिक्सचर है, क्योंकि ये खुद एक फंडामेंटल सिस्टम है। तो इससे पहले कि आप चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ें, उससे पहले आपको जो है इन सिस्टम्स का ओवरव्यू दिया जा रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट आएगा आपके आने वाले सेमेस्टर्स में, और कंप्यूटर नेटवर्क भी अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है आपके जो है AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग कमिंग सेमेस्टर्स में। तो अपना पहला टॉपिक लेके शुरू करते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी डेफिनेशन है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो जी, आपका जो हार्डवेयर सिस्टम होता है, आपका जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, उसको चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। उस सॉफ्टवेयर को ही कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कई प्रकार के होते हैं। मोस्ट कॉमनली आपने आज की डेट में देखेंगे विंडोज 7, 10 और 11, ठीक है। 10 और 11 आज की डेट में, जब ये वीडियो अपलोड हो रही है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज़ लाइनअप में, ओके। और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे, एंड्रॉयड होता है, ओके, और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, macOS है, ये सब क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, ओके, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब क्या हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब देखो भाई, बेसिकली क्या काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपका जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, जो CPU, मदरबोर्ड, रैम, CPU वगैरह, ये सब आपके कंप्यूटर सिस्टम में, हार्डवेयर में, कंप्यूटर की कैबिनेट में लगा हुआ है, इन सबको चलाने के लिए। और जो आपका मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और आपका माउस होता है, ये सब क्या है, ये आपके हार्डवेयर डिवाइसेज हैं। इन सबको चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ऑपरेशन, ऑपरेट करने के लिए, किसी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत होगी, जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। तो ये आपको एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है आपके बीच में और कंप्यूटर के बीच में, UI प्रोवाइड कराता है, कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको UI प्रोवाइड कराता है। अब ये और भी प्रकार के होते थे पहले, जैसे कि DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम का ही एग्जांपल है। और ये जो आपने नीचे सारे एग्जांपल्स देखे, ये हैं सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस बेस्ड, तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारे के सारे। CLI और GUI को हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो क्या है जी, आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। ये आपको कॉमन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, जिनको हम आगे देखेंगे फंक्शंस में ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सिक्योरिटी, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा द ऑपरेटिंग सिस्टम एम्प्लॉयज पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो आपका कोई कंप्यूटर हार्डवेयर है, उस पर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अगर आपके पास विंडोज़ का सिस्टम है तो आप उस पर पासवर्ड लगा लेते हो। तो इस जब आप सिस्टम को ऑन करते हो, उससे पहले आप क्या करते हो, उस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड डालते हो। तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, अगर आपके सिस्टम उसका हाथ लग जाता है, तो वो जल्दी से उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ऑब्वियसली उसे उसके पार्ट्स निकालने पड़ेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से डेटा को एक्सेस कर लेगा, पर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पासवर्ड प्रोटेक्शन के थ्रू, वो कहीं ना कहीं उसको डिले कर देगी आपके सिस्टम को एक्सेस करने से पहले, जो वो काम करना चाह रहा है आपके सिस्टम पे, कुछ डेटा स्टील करना चाह रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है, उसमें वो डिले ज़रूर कहीं ना कहीं कर देगा, क्योंकि एक सिक्योरिटी के लिए रेड हो गई। मान लीजिए आपका कंप्यूटर आपके ऑफिस में रखा है,
और आपका उस पर पासवर्ड नहीं है, तो कोई भी आएगा देख सकता है आप क्या काम कर रहे हो, किस फाइल पे काम कर रहे हो, क्या इनपुट आउटपुट दे रहे हो उसके अंदर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप उसे लॉक करके जाओगे, उसके ऊपर पासवर्ड लगा के हटोगे, अगर आप अपने कंप्यूटर के पास से हट रहे हो, तो कोई उसके अंदर पासवर्ड डाले बिना उसके अंदर नहीं देख सकता कि आप क्या काम कर रहे हो। तो ये एक बेसिक सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर ही देता है, ठीक है। फिर उसके बाद है रेगुलेट सिस्टम परफॉर्मेंस। जो आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस है उसका सारा ट्रैक रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। टू एड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट इट ऑल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ क्विकली द सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू सर्विस रिक्वेस्ट सो दैट इट कैन गेट अ फुल पिक्चर ऑफ द सिस्टम। ये आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करता चलता है कि कौन सी एप्लीकेशन कितना रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। ताकि उसे पता लग पाए किस ऐप के अंदर कितना कंजम्पशन हो रहा है, और उसी प्रकार से चीज़ों को वो ऑप्टिमाइज़ कर पाए ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस आपके सिस्टम से आपको मिल सके। फिर है जॉब अकाउंटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड बाय वेरियस टास्क एंड यूजर्स। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू ट्रैक रिसोर्स यूजेज फॉर अ पर्टिकुलर यूज़र और अ ग्रुप ऑफ यूज़र। तो जी कौन सा यूज़र, अगर मल्टी यूज़र आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो किन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है, कौन सा ग्रुप ऑफ़ यूज़र्स जो है वो किन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है, ये जॉब अकाउंटिंग का काम सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि कितनी देर के लिए कौन से रिसोर्स को कौन से टास्क ने या कौन से यूज़र ने यूज़ किया, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एरर डिटेक्टिंग एड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंटिन्यूसली मॉनिटर द सिस्टम इनेबलिंग अस टू बोथ आइडेंटिफाई एरर्स एंड प्रिवेंट सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम फेलियर, ठीक है। ये आपके सिस्टम की रेगुलर मॉनिटरिंग करता रहता है, जो भी प्रोसेस चलते रहते हैं उनको बैकग्राउंड में चेक करता रहता है कि कहीं कोई एरर तो नहीं हो रहा, उस एरर को फिक्स करने की कोशिश करता है, जो इसके अंदर प्री डिफाइंड एल्गोरिथम्स डाले जाते हैं इसके मैन्युफैक्चरर्स के डिज़ाइनर्स के द्वारा, ठीक है, ताकि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो फेल ना हो पाए, ओके, कहीं ना कहीं आपका काम ना अटके। तो ये एरर डिटेक्टिंग एड्स इसके अंदर डाले जाते हैं। और अब जो आते हैं ये है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ बाइट्स और वर्ड्स। विद ईच बाइट और वर्ड असाइंड अ स्पेसिफिक एड्रेस, दिस इज फास्ट मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाई सी पी यूज प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड यू रन द प्रोग्राम यू मस्ट फर्स्ट लोड इट इन टू द मेमोरी। तो हमने क्या देखा था यूनिट वन के अंदर, जो प्रीवियस वीडियो थी, अगर ये हमारी रैम है तो हमारा सी पी यू बहुत फास्ट काम करता है और उसको फास्ट मेमोरी ही चाहिए। तो हमारी जो हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं या एस एस डीज होती हैं वो इतनी फास्ट नहीं होती जितनी फास्ट रैम होती है। तो हमारी ये तो होती है परमानेंट स्टोरेज और ये होती है टेम्परेरी स्टोरेज, लेकिन होती बहुत फास्ट है हमारी रैम। तो क्या होता है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, अगर हमें उस पर कुछ एग्जीक्यूशन करना है तो वो रैम के अंदर ट्रांसफ़र होता है, पहले कॉपी होता है और फिर सीपीयू उससे रीड राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट ट्रैक्स प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी एड्रेसेस दैट आर ऑलरेडी इन यूज मेमोरी एड्रेसेस दैट आर नॉट येट इन यूज़। तो अगर आपको कोई और प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में चल रहे हैं और आपको और प्रोग्राम्स रन करने हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए कि कौन से मेमोरी एड्रेस जो है वो ऑक्यूपाइड हैं। तो जो फ्री मेमोरी एड्रेस हैं उन मेमोरी एड्रेस के ऊपर जाके आपके नए प्रोग्राम्स लोड होंगे रैम में, ताकि उनको भी सी पी यू उन पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। इन मल्टी प्रोग्रामिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस हाउ लॉन्ग अ प्रोसेस मस्ट स्टे एंड द ऑर्डर इन विच इट इज़ अलाउड एक्सेस टू मेमोरी। अगर आपका मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है जहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ चलते हैं, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि आपका कौन सा प्रोसेस मेमोरी में रहेगा कितनी देर के लिए, ओके, ताकि हर प्रोग्राम को इवन टाइम मिल सके अपना काम पूरा करने के लिए। फिर है एलोकेट्स मेमोरी टू अ प्रोसेस व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रोसेस एंड फ्रीज मेमोरी व्हेन द प्रोसेस टर्मिनेट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपके नए प्रोसेसेस रन होते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको मेमोरी एलोकेट करता है, और अब जब वो एग्जीक्यूट होना उनका फिनिश हो गया है तो रैम हमारी ऑब्वियसली जैसे कि होती है 4 GB की हो गई या 8 GB की हो गई, ज़्यादा भी होती है, पर आपकी हार्ड डिस्क या SSD से काफ़ी छोटी होती है, इसकी स्टोरेज जो होती है कम होती है कैपेसिटी में, और CPU के साथ काम करता है। तो
किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अगर ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, फिनिश हो चुका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो उसको मेन मेमोरी में से रिमूव कर दे ताकि फ्री स्पेस जो हो उसमें नए प्रोग्राम्स आ सकें जिन पे प्रोसेसिंग हो सके। ऑल राइट, सो अब अपना अगला फंक्शन देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है डिवाइस मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन थ्रू द अप्रोप्रिएट ड्राइवर। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। नंबर वन क्या है, ट्रैक्स ऑल डिवाइसेज कनेक्टेड टू योर सिस्टम। फिर है द ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफाइज द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच डिवाइस कॉल्ड एन इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। डिटरमाइन विच प्रोसेस विल एक्सेस विच डिवाइस एंड हाउ लॉन्ग। देन असाइन द डिवाइस इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे एंड असाइन द डिवाइस इफ यू डोंट नीड इट। तो जी क्या होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और काम होता है, वो है डिवाइस मैनेजमेंट करना। तो आपके कंप्यूटर के साथ क्या क्या कनेक्टेड होता है, कीबोर्ड कनेक्टेड होता है, माउस कनेक्टेड होता है और आपका मॉनिटर कनेक्टेड होता है। ये होती हैं बेसिक चीज़ें जो कनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा आपका प्रिंटर भी कनेक्टेड हो सकता है, ओके, और कोई गेमिंग कंट्रोलर भी कनेक्टेड हो सकता है, गेमिंग कंट्रोलर भी कनेक्टेड हो सकता है। तो ये सब क्या हैं, ये डिवाइसेस हैं, और आपकी यूएसबी वगैरह, पेन ड्राइव्स वगैरह, ये सब कनेक्ट हो सकती हैं। तो इनके लिए क्या चाहिए होता है, एक ड्राइवर चाहिए होता है, ओके। तो उस ड्राइवर के थ्रू कम्युनिकेशन करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिवाइस से, ओके। तो आप जैसे ही नया कीबोर्ड लगाएंगे या नया माउस लगाएंगे अपने कंप्यूटर के साथ, तो एक आप छोटा सा मैसेज देखेंगे, इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर। तो क्या होता है, ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेज होते हैं, इनके अंदर एक बहुत छोटी सी मेमोरी होती है जिसके अंदर इनका ड्राइवर होता है बहुत छोटे साइज़ का, और वो कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है इसे कनेक्ट करते ही, ठीक है। तो अब ये क्या रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता रहता है कि मेरे साथ मेरे कंप्यूटर जिस पर मैं इंस्टॉल्ड हूँ इस पे कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसको सारी खबर रहती है, क्योंकि अगर आप 10 पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर से लगाएंगे, माई कंप्यूटर में जाके देखेंगे, तो आपको वहाँ 10 की 10 शो होंगी अगर वो ठीक है तो। फिर है द ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफाइज द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच डिवाइस कॉल्ड एन आईओ कंट्रोलर, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक बहुत ही खास प्रोग्राम होता है छोटा सा, जिसको कहा जाता है आईओ कंट्रोलर, जिसका मतलब है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। तो क्या होता है, आईओ कंट्रोलर की हेल्प से आप जो है आप इंटरेक्ट आईओ की मदद से नहीं करते, बल्कि आप डिवाइसेस की मदद से करते हैं। तो आप कीबोर्ड दबा रहे हैं, उसका इनपुट जाना चाहिए, माउस दबा रहे हैं, उसका इनपुट जाना चाहिए, और जो चीज़ आपको कंप्यूटर शो करना चाहता है वो मॉनिटर पे जाना चाहिए। तो ये क्या है, इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने का काम कैसा है, इस आईओ कंट्रोलर का है। फिर हमारे पास है डिटरमाइन विच प्रोसेस, ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोसेस किस डिवाइस को कितनी देर के लिए इस्तेमाल करेगा, ओके। देन असाइन द डिवाइस इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे एंड अन असाइन द डिवाइस इफ़ यू डोंट नीड इट। तो मान लीजिए मेरा जो एमएस ऑफिस वर्ड है, इसको कुछ प्रिंट करना है मुझे, इसके अंदर से कोई डॉक्यूमेंट, तो इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में इसको जो है असाइन करेगा डिवाइस, अगर कोई और मेरा प्रोग्राम प्रिंटर से प्रिंट नहीं कर रहा है। और अगर मेरा कोई पीडीएफ प्रिंट करने का सॉफ्टवेयर है और वो भी प्रिंट करना चाहता है, तो पहले वर्ड के साथ इसको प्रिंट करा देगा, और उसके बाद जब प्रिंटर मेरा फ्री हो जाएगा वर्ड काम करके, फिर पीडीएफ वाला सॉफ्टवेयर प्रिंट करेगा। हालांकि ये सब जाति सब एक ही जगह पे हैं, प्रिंट स्पूलर, प्रिंट स्पूलर नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें चली जाती है। तो आप अलग अलग एक एक करके भी इसको आपने पहले इसकी प्रिंट कमांड दी फिर इसकी दी, तो ये जाके क्यू में स्टोर हो जाएंगे, प्रिंट स्पूलर वहाँ से प्रिंट कर देगा। और जब ये आपका इसको डिवाइस का यूज़ नहीं करना है, तो वो वहाँ से अनअसाइन उसको कर देगा। तो ये होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस मैनेजमेंट। फिर है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट। द फाइल सिस्टम इज़ ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज फॉर एफिशिएंट नेविगेशन एंड यूज़। क्या होता है जी, आपका कंप्यूटर खोला आपने, फिर आप खोलोगे माई कंप्यूटर का आइकन होता है, उसको आप माई कंप्यूटर को ओपन करोगे तो आपको सारी ड्राइव्स दिखती हैं कि कौन कौन से कनेक्टेड हैं। फिर आप लोकल डिस्क ई एफ जी ऐसे होती हैं, उनमें से किसी को खोलते हो, फिर उसके अंदर आपको फोल्डर्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो क्या है, ये आपका जो सिस्टम है वो डायरेक्टरीज के अंदर बना हुआ है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल्स, या फोल्डर के अंदर और फोल्डर। दीज डायरेक्टरीज कैन कंटेन डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। तो फोल्डर को ये कह रहा है यहाँ पे डायरेक्टरीज। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फाइल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। क्या है, ट्रैक वेयर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, यूजर एक्सेस सेटिंग एंड स्टेटस ऑफ ईच फाइल। ये क्या करता है जी, हर फाइल की
इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करता है कि कौन सी फाइल किस जगह पड़ी है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है, उसको कौन कौन से यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं और उसका स्टेटस क्या है, कि वो ओपन है, क्लोज्ड है या बस स्टोर्ड है, एग्जीक्यूशन फेज में है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम इसका ध्यान रखता है। तो ये क्या है, फीचर्स हैं, फीचर्स, दीज फीचर्स आर कॉल्ड द फाइल सिस्टम। तो इन जब ये फीचर्स हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम। कौन से फीचर्स को, ये डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी और डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स, इनको क्या बोलते हैं, ये फाइल सिस्टम बन जाता है इन फीचर्स की मदद से, और इसको बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। ओके जी, तो अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर है बैच प्रोसेसिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में शुरू में देख ली थी कि क्या होता है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक यूज़र इंटरफेस को प्रोवाइड कराता है ये। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या है, बैच, बैच क्या होता है, बैच के अंदर जी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखें कि ये 4 बजे का ट्यूशन का बैच है फिज़िक्स वालों का, फिज़िक्स के ट्यूशन का, तो क्या है, बैच के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसी तरीके से इस बैच के अंदर मेरे पास बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जॉब्स यानी कि टास्क जो मुझे परफॉर्म करवाने हैं अपने कंप्यूटर से। तो जिस कंप्यूटर के ऊपर बैच प्रोसेसिंग सिस्टम चल रहा है उसको मैं बहुत सारी जॉब्स एक साथ फीड करता हूँ एक ही बारी में, ठीक है। तो यूज़र, जैसे मेरी कोई जॉब है तो मैं यूज़र 1 हूँ, और किसी और की, मेरे फ्रेंड की कोई और जॉब है, कोई और टास्क है, उसे करना है, कंप्यूटर से करवाना है, तो वो यूज़र 2 है। तो सब यूज़र क्या करते हैं, वो यूज़र लोग जो हैं वो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे मेरा पर्सनल लैपटॉप है ये, मैं इससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता हूँ, आप अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन बैच प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं होता। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर एक पर्सन होता है जिसका काम ये होता है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स जो हैं, जो जॉब्स एक जैसी हैं, मान लीजिए किसी जॉब को कुछ इनपुट करानी है, किसी को आउटपुट कराना है, किसी को प्रोग्राम कंपाइल कराना है, या किसी भी प्रकार का कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है, तो उन सिमिलर जॉब्स को एक बैच उनका बना देता है, बैच में एक ग्रुप में बना के उनको क्या करता है, कंप्यूटर को देता है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो बैच प्रोसेसिंग में कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, हम लोग यानी कि जो यूज़र्स हुए वो उसको ऑपरेट नहीं करते, ठीक है। ये हो गया बैच प्रोसेसिंग, और बैच प्रोसेसिंग में होता क्या है भाई, बहुत सारी जॉब्स को एक साथ एग्जीक्यूट करता है ये, ठीक है, जैसे कि बैच बता रहा है हम। और एडवांटेजेस क्या है, मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर द बैच सिस्टम, भाई बहुत सारे लोगों की जॉब एक साथ इसमें एग्जीक्यूट होती है, एक बारी में एग्जीक्यूट होती है, तो मल्टीपल यूज़र इसको शेयर कर रहे हैं। इडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस। इडल टाइम क्या होता है, इडल का मतलब होता है खाली टाइम। तो आपके पास जब जो जॉब्स हैं वो बैच में हैं, आपके पास जॉब्स ही जॉब्स है सारी बैच के अंदर, एक जॉब फिनिश करोगे अगली आ जाएगी, एक फिनिश करोगे अगली को एग्जीक्यूट करोगे, करोगे से मतलब है कंप्यूटर सिस्टम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा इसमें इडल टाइम जो है बैच सिस्टम में बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक जॉब हमारे पास तैयार रहती है बैच में, तो कंप्यूटर खाली नहीं रहता, उसे कुछ ना कुछ काम मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। फिर उसके बाद क्या है, इट इज़ ईजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम्स। तो भाई हमने लार्ज बड़ा काम करना है कोई, तो उसको बैच बना के हम कंप्यूटर को दे देते हैं, फिर कंप्यूटर काम करता चला जाता है, तो मैनेजमेंट हमारा इसमें क्या है, ईजी हो जाता है। अब डिसएडवांटेजेस देखिए क्या है, द कंप्यूटर ऑपरेटर शुड बी वेल नोन विद द बैच सिस्टम। जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है उस पर्सन को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अच्छी तरीके से जानकारी और नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी जॉब को किस तरीके से किस बैच में डालना है, सिमिलर जॉब्स को कैसे सॉर्ट करना है, ये सब उसको नॉलेज होनी चाहिए। बैच सिस्टम्स आर हार्ड टू डीबग, इनमें डीबग करना, कोई बग है तो कहीं दिक्कत आ रही है, उनको डीबग करना मुश्किल हो जाता है कि जी बैच के अंदर जॉब चल रही है, अब किस जॉब के अंदर दिक्कत है, क्या पता। इट इज़ समटाइम्स कॉस्टली, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है, क्योंकि डीबग करना तो हमें एक तो पता चल गया मुश्किल है, और क्या है, बहुत सारी जॉब्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो ये सब है आपके लिए डिसएडवांटेजेस कि अगर आपकी जॉब फेल हो गई है, आपके प्रोग्राम में एरर हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने सी प्रोग्राम कोई सबमिट किया था कि जी इसको कंपाइल करके दो, तो अब आपके उसमें कोई प्रोग्राम में एरर था, तो आप क्या करोगे, आपका ये प्रोग्राम तो रिजेक्ट होके वापस आ जाएगा कि इसके अंदर ये एरर है, फिर आप क्या करोगे, आप उस एरर को सॉल्व करोगे और फिर से कंप्यूटर को दोगे, वो फिर से बैच में लगेगा, और फिर से जब पूरा बैच फिनिश हो जाएगा उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगी, तो क्या हुआ जी आपके लिए, ये जो है कॉस्टली हो गया।
फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। ईच यूजर गेट्स द टाइम ऑफ सीपीयू एज द यूज सिंपल सिस्टम। दीज सिस्टम्स आर नोन एज ऑल्सो नोन एज मल्टी टास्किंग सिस्टम। तो देखो जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं कि टाइम शेयर हो रहा है तो वो टाइम किसका शेयर हो रहा है, वो टाइम हो रहा है शेयर सीपीयू का, सीपीयू का टाइम शेयर हो रहा है। क्या करते हैं हम इसमें, इसमें एक चीज़ होती है जिसका जिसको कहते हैं क्वांटम टाइम, टाइम क्वांटम। इस टाइम क्वांटम के अंदर देखो भाई क्या होता है, एक छोटा सा ये कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम होता है। इस मिली सेकेंड्स के टाइम्स के अंदर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरे कंप्यूटर पे चार प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन फेज में हैं, तो इन चारों प्रोग्राम्स को मान लीजिए टाइम क्वांटम है मेरा 2 मिली सेकेंड्स का। तो इन चारों प्रोग्राम्स को, जैसे ये चार प्रोग्राम है मेरे, ठीक है, 2 मिली सेकेंड्स, 2 मिली सेकेंड्स, 2 मिली सेकेंड्स और 2 मिली सेकेंड्स, ये सारे चारों प्रोग्राम हैं मान लीजिए ए बी सी डी। तो ये चारों प्रोग्राम को 2-2 मिली सेकेंड का टाइम मिलेगा काम करने के लिए। तो 2 मिली सेकेंड के लिए ये करेगा, जैसे 2 मिली सेकेंड हो जाएंगे उसके बाद बी करेगा, जैसे 2 मिली सेकेंड हो जाएंगे उसके बाद सी करेगा, जैसे 2 मिली सेकेंड हो जाएंगे उसके बाद डी करेगा। तो हर प्रोग्राम को 2-2 मिली सेकेंड्स मिलेंगे और जैसे ही ये साइकिल ख़त्म होगी फिर यहाँ से शुरू हो जाएगी। जब तक ए का काम पूरा नहीं हो जाएगा वो प्रोग्राम इस लिस्ट में से हटेगा नहीं, और जिसका पूरा हो जाएगा वो इस लिस्ट में से हट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये स्विच जो होता है ये इतनी फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें ऐसा लगता है कि सारे प्रोग्राम मेरे ही एक साथ रन कर रहे हैं, क्योंकि 2 मिलीसेकंड का टाइम भाई बहुत कम होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, सीपीयू उनको एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा है इतने इतने टाइम के लिए, जितना टाइम क्वांटम है 2-2 मिलीसेकंड के लिए सबको एग्जीक्यूट करता चला जा रहा है, ठीक है। एक को छोड़ता है, अगले को एग्जीक्यूट करता है 2 मिलीसेकंड के लिए, फिर उसके बाद अगले को एग्जीक्यूट करता है, तो एक एक करके काम कर रहा है। लेकिन हमें ये भ्रम होता है, ये ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि सारे प्रोग्राम एक साथ रन कर रहे हैं, इनको मल्टी टास्किंग सिस्टम्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके जी एडवांटेजेस देखिए, एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि टाइम क्वांटम फिक्स होता है हर टास्क के लिए, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए। सीपीयू इडल टाइम कैन बी रिड्यूस्ड, हमारे पास प्रोग्राम्स हैं एक के बाद एक मिल रहे हैं, एक जॉब से क्लियर हो रहा है अगले पे आ रहा है हमारा सीपीयू, है ना, तो हमारा सीपीयू इडल नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है, वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ऑफ यूजर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा, क्योंकि जी टाइम शेयर हो रहा है सीपीयू का अलग 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 एप्लीकेशंस के अंदर, तो वो सब एक मेमोरी में चल रहे हैं, तो उनको क्या करना है जी, उनको अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है कि वो सिक्योरिटी मेजर्स लगाएं कि कोई और प्रोग्राम उनके प्रोग्राम को, जैसे कि प्रोग्राम ए है तो प्रोग्राम ए बी के डेटा को एक्सेस ना कर पाए, ये सिक्योरिटी मेजर्स या इंक्रिप्शन लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये एक डिसएडवांटेज है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देखो जी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमारा कोई जॉब है वो बहुत ज़्यादा हैवी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा कोई टास्क है जो मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है, और ये टास्क को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा हैवी रिसोर्सेज की, यानी कि बहुत ज़्यादा तगड़े कंप्यूटर सिस्टम्स की रिसोर्सेज की इसको ज़रूरत है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, हर सिस्टम के पास अपनी सीपीयू और मेमोरी होती है, हर सिस्टम के पास अपनी सीपीयू और मेमोरी होती है, और इस प्रकार के बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो आपस में इंटरनेट के थ्रू या किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सीपीयू मेमोरी। अब वो क्या करते हैं, इस टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। तो क्या होता है, ये टास्क छोटा हो गया और हर सिस्टम की अपने पास सीपीयू और मेमोरी है, और वो इस टास्क को आराम से कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट कर देने के बाद वो रिजल्ट जो है वो हमको मिल जाता है। तो एक अगर एक सिस्टम को 10 घंटे लगते इस काम को करने में, तो डिस्ट्रीब्यूटेड के थ्रू हो सकता है ये काम 30 मिनट में हो गया हो, ओके। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। एडवांटेजेस देखिए, फेलियर ऑफ वन नोड विल नॉट अफेक्ट द अदर कम्युनिकेशन एज ऑल सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। हमने क्या देखा जी, हर सिस्टम के पास अपनी सीपीयू और मेमोरी है, तो अगर कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो बाकी सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम कर सकते हैं। सिंस रिसोर्सेज आर बीइंग शेयर्ड कंप्यूटेशन इज हाईली फास्ट एंड ड्यूरेबल। मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में,
हमारे पास सबके पास सीपीयू और मेमोरी है, 10 घंटे का काम इन लोगों ने मिलके 30 मिनट में कर दिया, तो क्या हो रहा है, मेरा काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, कंप्यूटेशन जल्दी हो रही है। दिस सिस्टम्स आर इजीली स्केलेबल एज मैनी सिस्टम कैन बी इजीली एडेड टू द नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो इसके अंदर आप इजीली ऐड हो सकते हैं और रिमूव हो सकते हैं। फिर क्या है डिसएडवांटेजेस में, फेलियर ऑफ मेन नेटवर्क विल स्टॉप द इंटायर कम्युनिकेशन। अब सब इंटरनेट के ऊपर चल रहा है जी सारा कम्युनिकेशन इनका, इंटरनेट ही बंद हो जाए तो क्या होगा, सब खत्म। नॉट रेडिली अवेलेबल एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, इनको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बल्कि बहुत एक मिनिमल और लिमिटेड स्केल पर इनका यूज़ किया जाता है। फिर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग से कन्फ्यूज मत होइए, ये अलग है, ये है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड व्हेन देयर आर वेरी स्ट्रिंजेंट टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स सच एज मिसाइल सिस्टम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स एंड रोबोट्स। देखो रियल टाइम ओएस जो होते हैं, RTOS इनको कहा जाता है, इनके अंदर क्या होता है कि भाई मुझे जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल क्विक चाहिए, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए एकदम क्विक, मैंने कोई क्वेरी करी मुझे रिस्पॉन्स चाहिए एकदम क्विक, उससे ज़्यादा इसमें देर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रियल टाइम, कि मुझे रियल टाइम में रिस्पॉन्स चाहिए, मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करूँ मुझे रिस्पॉन्स दो एकदम। इसके अंदर क्या है, दो टाइप्स, हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम देखो क्या है, दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशंस दैट आर वेरी टाइम सेंसिटिव एंड कैन नॉट टॉलरेट इवन शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिलेज। दीज सिस्टम्स वर बिल्ट टू सेव लाइफ सच एज ऑटोमेटिक पैराशूट्स एंड एयरबैग्स दैट नीड टू बी रेडिली अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट। अगर क्या है जी, ऑटोमेटिक आपका पैराशूट होना चाहिए कि आप प्लेन से कूद रहे हो और एक आप सर्टेन हाइट पर आ गए और उस हाइट पे इस पैराशूट को खुल जाना चाहिए, तो ये पैराशूट उसी हाइट पे खुलना चाहिए। अगर ये उसके 100 फुट 150 फुट 200 फुट बाद खुल रहा है जिस हाइट पे से खुलना चाहिए, तो क्या होगा भाई, जो बंदा पैराशूट जिसको लगा हुआ है उसकी लाइफ डेंजर में है। तो क्या है, हार्ड रियल टाइम, जब ज़रूरत है बिल्कुल उसी टाइम में, रियल टाइम में ये काम हो जाना चाहिए। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या है, दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर फॉर एप्लीकेशन वेयर टाइम कॉन्स्टेंट इज लेस स्ट्रिक्ट। हार्ड रियल टाइम जितना कॉन्स्टेंट इसका जो है स्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि थोड़ा कम है। तो कोई ऐसी जॉब जहाँ पे अगर मुझे थोड़ी सी लेट भी अगर मिल जाए मेरा रिस्पांस, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जांपल आप ले लो, अगर एटीएम के अंदर हो, अगर आपको कहते हैं कि 10 सेकंड के अंदर आपका ट्रांजैक्शन पिन डालने के बाद और अमाउंट डालने के बाद 10 सेकंड के अंदर नोट काउंट होकर आपके आ जाएंगे, तो ये सॉफ्ट रियल टाइम है। अगर आपके पास 12 सेकंड में या 15 सेकंड बाद कैश आ रहा है मशीन से निकल के, तो कोई आपका बहुत भारी नुकसान नहीं होगा इस टाइम में, ठीक है। लेकिन अगर आपका हार्ड रियल टाइम है, उसमें है कि प्लेन से कूदने के 10 सेकंड के अंदर अंदर पैराशूट खुल जाए और वो खुल रहा है 20 सेकंड बाद, तो भाई जो जिसको पैराशूट लगा हुआ है उसकी लाइफ जो है वो डेंजर में आ सकती है। तो ये हो गई हार्ड रियल टाइम और ये हो गई सॉफ्ट रियल टाइम। ओके, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस इन सिस्टम, क्योंकि रियल टाइम में हमें रिस्पांस मिलता है, तो सिस्टम और डिवाइसेस बिल्कुल रियल टाइम में काम कर रहे होते हैं। फोकस ऑन रनिंग एप्लीकेशंस नॉट क्यूड एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में है उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि सारी रिसोर्सेज सारा यूटिलाइजेशन उसे दे दो, क्यूड एप्लीकेशंस पे जो भी एग्जीक्यूट होने का वेट कर रही हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो। Memory allocation is best managed in these types of system. Okay, disadvantages, very few tasks run at the same time. The algorithm is very complex and difficult for designers to create. आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आप रियल टाइम रिस्पॉन्स तभी दे पाओगे जब कम टास्क एक साथ चल रहे होंगे, सीपीयू बिजी कम होगा, और अगर आपका सीपीयू ज़्यादा बिजी होगा, बहुत सारे प्रोसेस के साथ डील कर रहा है, तो रियल टाइम में आपको रिस्पॉन्स कैसे देगा, ठीक है। फिर क्या है, द एल्गोरिथम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट फॉर डिजाइनर्स टू क्रिएट। जो एल्गोरिथम होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और डिज़ाइनर्स के लिए भी बहुत मेहनत का काम है इनको डिज़ाइन करना। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो मैं क्लासिफिकेशन बताता हूँ, ये रिलेटेड है लगभग लगभग आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से ही। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, कोई ऐसा यूज़र जो मुझे अलाउ, जो कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुझे अलाउ करे कि इस सिस्टम को मल्टीपल लोग एक साथ यूज़ कर पाएँ। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसको एक ही यूज़र ऑपरेट कर रहा हो एक टाइम पे, जैसे कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, हम इसको एक बार में एक ही बंदा यूज़ करता है मोस्टली। फिर मल्टी प्रोसेसर क्या होता है कि एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, सॉरी, हाँ। तो ये मल्टीपल प्रोसेसर्स क्या करते हैं, किसी भी जॉब को
ब्रेक डाउन कर लेते हैं आपस में और सब मिलके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो कोई हैवी जॉब होती है तो उसको बहुत सारे प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली जल्दी फिनिश हो जाएगी। फिर है मल्टी टास्किंग, जिसके अंदर एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करें। फिर है सिंगल टास्किंग, जिसके अंदर कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक ही टास्क रन करे, कोई एक ही जॉब रन करे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ने पीछे देख लिया, जो रियल टाइम में हमको रिस्पॉन्स दे। अब जी हमारे पास है कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हमको समझना है और उनके एलिमेंट्स को देखना है। तो कमांड लाइन इंटरफेस टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस यूज टू रन प्रोग्राम्स, मैनेज कंप्यूटर फाइल्स एंड इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। आप कमांड बेस्ड, अगर आपको देखना है बेस्ट एग्जांपल, तो आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट देख लीजिए, ठीक है। CMD जिसको शॉर्ट में कहते हैं, आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है, इसके अंदर आप टाइप करके ही जो है कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हो। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका कमांड लाइन इंटरफेस। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले एग्जांपल होता था माइक्रोसॉफ्ट डॉस डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ब्लैक सी स्क्रीन दिखती है आपको मोस्टली और इसके ऊपर आप टाइप करके कमांड देते हो। तो ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस के आप और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करोगे, बस आपको टेक्स्ट दिखेगा और आप अपने कीबोर्ड की मदद से इसको ऑपरेट करोगे। होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इट परमिट्स यूजर्स टू यूज़ द ग्राफिक्स टू इंटरेक्ट विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेन्यूज आर प्रोवाइडेड सच एज विंडो, स्क्रोल बार्स, बटन, विजर्ड्स, पेंटिंग पिक्चर्स, ऑल्टरनेटिव आइकन्स एटसेट्रा। इट्स इंट्यूटिव, सिंपल टू फाइंड आउट। आपके GUI आप देख रहे हो, आपका एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, पर्सनल लैपटॉप पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, ये सब GUI हैं। और GUI क्यों यूज़ हो रहे हैं, CLI इतने यूज़ क्यों नहीं होते जी? जो आपके नॉर्मल यूज़र्स होते हैं वो GUI उनके लिए अट्रैक्टिव होती है और इजी टू यूज़ होती है। CLI आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो यूज़ करते हैं डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स, और जो नॉर्मल यूज़र्स होते हैं उनके लिए GUI सिस्टम्स ही बनाया जाता है फॉर यूज़र्स हु आर नॉर्मल यूज़र्स। ओके, तो आप इसमें देखते हैं कि आपको विंडोज़ मिल रही हैं, दिख रही हैं चीज़ें, ग्राफिक्स दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रहे हैं, आप टच कर सकते हो टच स्क्रीन के थ्रू या माउस का यूज़ कर सकते हो पॉइंटिंग डिवाइस का। तो ये सारा आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आता है। फिर आप CLI वर्सेस GUI का कंपैरिजन देखिए। CLI डिफ़िकल्ट टू यूज़ होती है और GUI ईजी टू यूज़ होती है। इसका रीज़न यही है कि CLI में आपके पास जो इनपुट देने का ज़रिया है वो है कीबोर्ड, और आप बस टेक्स्ट ही दे सकते हो इनपुट में, और आपको वो टेक्स्ट कमांड याद रखनी होती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपके लिए वो डिफ़िकल्ट टू यूज़ है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपको चीज़ें सामने दिख रही होती हैं तो आपके लिए ईजी टू यूज़ होती है। CLI कंज्यूम करती है लेस मेमोरी और GUI कंज्यूम करती है हाई मेमोरी। उसका रीज़न ये है कि कमांड लाइन इंटरफेस में बस आपके पास एक स्क्रीन है जिसको आप टेक्स्ट बेस्ड इनपुट दे रहे हो, पर GUI में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखती हैं, जैसे कि इमेजेस, ग्राफिक्स, विंडोज़, मेन्यूज़, ये आपको दिख रही है, ये सब ग्राफिकल यूज़र हैं, सब इमेजेस हैं, ग्राफिक्स हैं, तो ग्राफिक्स ऑब्वियसली हाई मेमोरी कंज्यूम करते हैं। तो CLI आपका फास्टर होता है और GUI आपका थोड़ा सा स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस। तो CLI में ओनली कीबोर्ड यूज़ होता है, GUI में आपका कीबोर्ड यूज़ होता है, माउस यूज़ होता है, टच स्क्रीन यूज़ होती है और बहुत सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज़ हो जाते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। CLI में क्या है, माइनर अपीयरेंस चेंजेस आर पॉसिबल। तो आप थोड़े बहुत अपीयरेंस में चेंज कर सकते हो कि आपके टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा कम हो जाए, टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाए, टेक्स्ट का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। ये बेसिक सी चीज़ें आप CLI में कर सकते हो। GUI में आप अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा हाईली मॉडिफाई कर सकते हो। आप देखते हो कि एंड्रॉयड के ऊपर लोगों ने लॉन्चर लगा दिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसका सॉफ्टवेयर iOS जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो आप उनके अंदर हाई मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अलग अलग थीम्स लगा सकते हो। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में होता है, ठीक है। CLI में इनपुट इज एंटर्ड एट कमांड प्रॉम्प्ट ओनली, आप सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे ही टाइप करके इनपुट दे सकते हो, लेकिन आप GUI में क्या करते हो, इनपुट कहीं भी दे सकते हो। आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी क्लिक कर दो, राइट क्लिक कर दो किसी भी जगह पे, तो आप क्या कर रहे हो, आप अगर माउस से राइट क्लिक कर रहे हो अपनी कहीं स्क्रीन पे, आप इनपुट ही तो दे रहे हो, वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, तो आप कहीं भी इनपुट दे सकते हो। ऐसे आप टच स्क्रीन में कर सकते हो, पर CLI में आपका जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है आप वहीं पे इनपुट दे सकते हो, वो भी केवल कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। CLI में कोई ग्राफिक्स यूज़ नहीं होते, GUI में ऑब्वियसली ग्राफिक्स यूज़ होते हैं। CLI में स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर आपकी कमांड की कोई पर्टिकुलर स्पेलिंग है, आपको वही पर्टिकुलर स्पेलिंग, वही पर्टिकुलर कमांड डालनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो तो कमांड रन नहीं होगी। GUI में आप
टच करके या माउस को यूज़ करके आप ऑपरेट करते हो उसको। और आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ करोगे, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो तो आप स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी वहाँ, तो उससे आपके यूज़ करने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस आपकी वो स्पेलिंग ही गलत है, लेकिन आप नॉर्मली अपने सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। अगर अगर आपको CLI के अंदर किसी कमांड की, कोई ऐसी कमांड है जिसकी स्पेलिंग किसी वर्ड की उसमें आपको गलत याद है और आप वो गलत बार बार डाल रहे हो, तो आपकी वो कमांड किसी भी हालत में एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये होता है CLI और GUI में डिफरेंस। अब आप आ जाइए जी कंप्यूटर नेटवर्क पर, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो रिफर टू एज डेटा नेटवर्क इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स दैट कैन ट्रांसमिट रिसीव एंड एक्सचेंज डेटा। क्या कह रहा है ये, ये कह रहा है कि आपका कोई भी नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क ये हुआ जिसके अंदर आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हुए, ओके। और वो कनेक्टेड क्यों है, ताकि वो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकें, ठीक है। ये हो गए कंप्यूटर आपके आपस में कनेक्टेड इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करने के लिए, रिसीव एंड एक्सचेंज डेटा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आपके होते हैं लैन, आपको पढ़ना है लैन, वैन और मैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वायर्ड एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट। मैन लैन से थोड़ा सा बड़ा होता है, और वैन जो होता है वो बिगेस्ट होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन इज मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क। लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स टू ईच अदर थ्रू अ कॉमन कम्युनिकेशन पाथ विद इन अ लिमिटेड एरिया दैट इज विद इन अ लोकल एरिया। अ लैन कंटेन्स टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ सर्वर। द टू मेजर टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क आर इथरनेट एंड वाईफाई। एग्जाम्पल्स ऑफ लैन आर नेटवर्क सच एज होम, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, यूनिवर्सिटीज एंड ऑफिस। क्या हो रहा है आप भाई देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आपका जो है बहुत ही छोटा एरिया होता है जहाँ पे वो नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। आपके घर में वाईफाई लगा है, बहुत सारे डिवाइसेज आपके उस वाईफाई से कनेक्टेड हैं। आपके घर में स्मार्ट बल्ब है, आपने उसे वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। स्मार्ट एयर कंडीशनर है, आपने उसे वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, आपका छोटे से एरिया में आपका खुद का नेटवर्क हो गया। आपके कंप्यूटर्स उस वाईफाई से कनेक्टेड हैं, फ़ोन्स उस वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो ये हुआ आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज होती है घर या कोई स्कूल के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, उसकी लाइब्रेरीज हो गई स्कूल की, यूनिवर्सिटीज़ का कोई अपना एरिया का नेटवर्क है, वो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। फिर है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क इज लोकल एरिया नेटवर्क और अ कलेक्शन ऑफ अदर नेटवर्क्स दैट आर कम्युनिकेट विद ईच अदर। द वैन एसेंशियली नेटवर्क इज एसेंशियली अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स एंड इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन इन इंडिया। आपका वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि आपके जो हैं बहुत सारे आपने लैंस के साथ कनेक्ट करते चले गए, तो आपका वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। और सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क दुनिया का कौन सा है, इंटरनेट के बहुत ये नेटवर्क्स का नेटवर्क्स है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स वाइड ज्योग्राफिक एरिया इंक्लूडिंग रीजन्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड इवन द एंटायर वर्ल्ड। और एंटायर वर्ल्ड को कौन कनेक्ट करता है, इंटरनेट। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, मैन के अंदर, जो कि है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आपका जो मैन होता है वो लैन से लार्जर होता है बट स्मॉलर देन वैन। तो आपका लैन क्या हुआ, लैन हुआ ऑफिस या होम। और आपका वाइड एरिया नेटवर्क क्या हुआ, कंट्री और एंटायर वर्ल्ड। तो भाई इससे कोई चीज़ इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, तो बीच में लाई करेगी, तो वो कहीं ना कहीं अगर इनसे छोटी है, इनके बीच में लाई करती है, तो वो हो सकता है ओवर अ सिटी और अ फ्यू सिटीज़। किसी शहर की बात हो रही है या कुछ शहरों की बात हो रही है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, कॉमनली यूज टू कनेक्ट ज्योग्राफिकली सेपरेट लैंड्स। तो मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी है कोई, जिसका कॉलेज है सपोज दिल्ली में, तो यहाँ पे दिल्ली वाले कॉलेज में एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो इनको अगर उत्तराखंड के अंदर है, मान लीजिए देहरादून के अंदर इनका एक और कॉलेज है, वहाँ पे भी एक लैन है, तो अगर इन दोनों लैन को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके। तो अब आपको लैन, वैन और मैन क्लियर हो गए हैं।
नेक्स्ट जब हमारे पास आ जाता है डेटा कम्युनिकेशन। अभी हमने कंप्यूटर नेटवर्क देखा कि जिसके अंदर डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं। वो जो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है उस शेयरिंग को, एक्सचेंज को ही डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। वो जो प्रोसेस वहाँ चल रहा है वो है कम्युनिकेशन। नेटवर्क बनाने का मतलब यही है कि डेटा का कम्युनिकेशन वहाँ हो पाए। डेटा कम्युनिकेशन रिवर्स टू एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर और केबल। तो जी आपका क्या होता है, आप क्या करते हो, आपका एक होता है सेंडर या फिर ट्रांसमीटर जिसको मैसेज भेजना है, जहाँ से मैसेज ओरिजिनेट हो रहा है, और एक होता है आपका रिसीवर जिसको वो मैसेज मिलना चाहिए, जो उस मैसेज का वेट कर रहा है या जिसको हमें वो मैसेज भेजने की इच्छा है। तो आप हो गए, आपके पास हो गया एक सेंडर, एक हो गया आपके पास रिसीवर। अब आप किसी तरीके से कनेक्टेड हो, तो आप किस तरीके से कनेक्टेड हो, या तो आपके पास कोई वायर का कनेक्शन हो, वाईफाई कनेक्शन हो, सैटेलाइट कनेक्शन हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का कनेक्शन आपके बीच में होना चाहिए ताकि आप अपना मैसेज भेज पाओ। तो आपका मैसेज जा रहा है सेंडर से रिसीवर तक वाया अ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू ट्रांसमिशन हमारे डेटा का ट्रांसफ़र हो पा रहा है, ठीक है। फिर डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स देखिए, मैसेज, अ मैसेज इज़ इंफॉर्मेशन दैट इज़ इंटेंडेड टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसके अंदर टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या और भी कोई फाइल हो सकती है, तो इसको बोलेंगे मैसेज। जो मैसेज है वो एक हमारी एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर सेंडर हूँ, अपने किसी फ्रेंड को भेज रहा हूँ, वो रिसीवर होगा इस केस में, तो जो मैसेज मैं उसे भेज रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन है। ओके, इन्फॉर्मेशन मैसेज के रूप में जा रही है। सेंडर, मैं अगर सेंडर द डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेजेस। ओके, अगर मेरा दोस्त मुझे वहाँ से कुछ मैसेज भेजता है मुझको, तो उस केस में वो सेंडर हो गया और मैं रिसीवर हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास रिसीवर द डिवाइस दैट रिसीव्स, आप यहाँ पे डिवाइस समझ लीजिए क्योंकि फ़ोन की भी बात हो सकती है यहाँ पे, कंप्यूटर्स, ईमेल्स की बात हो सकती है या फेस टू फेस कम्युनिकेशन की भी बात हो सकती है, पर अभी स्टिक करते हैं क्योंकि नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो डिवाइसेस पे स्टिक करते हैं। तो मेरा दोस्त अगर मुझे ईमेल भेज रहा है तो वो सेंडर, मैं रिसीवर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सेंडर और रिसीवर, सेंडर भेजने वाला, रिसीवर जिसको वो जाना चाहिए। द डिवाइस दैट रिसीव मैसेजेस दिस कैन बी कंप्यूटर्स, फोन, मोबाइल्स, वर्क स्टेशन एटसेट्रा। डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, फिर में हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल, जो अभी हमने पीछे डायग्राम में भी बना के देखा कि वाईफाई के थ्रू जा रहा है या वायर्ड मीडिया के थ्रू जा रहा है। हमारा कनेक्शन जो है स्टैब्लिश होना चाहिए बीच में, तो वो ट्रांसमिशन का मीडियम हुआ, वो जरिया है डेटा ट्रांसफ़र होने का, या उसे कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं। सेट ऑफ रूल्स, व्हेन समवन सेंड्स डेटा इट आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड इट्स टू बी अंडरस्टैंडेबल टू द रेसिपिएंट, इफ नॉट इट इज़ मीनिंगलेस। तो अगर मैं अपने दोस्त को, अगर मेरा कोई दोस्त साउथ इंडिया में रहता है और वो हिंदी बोलना नहीं जानता, तो या तो मैं उसे ऐसी लैंग्वेज में बात करूँ जो वो जानता है, ऑब्वियसली वो शायद इंग्लिश जानता हो, ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस, और मैं भी जानता हूँ, तो मैं अगर उससे इंग्लिश में बात करूँगा तो वो मेरी बात समझ पाएगा, पर अगर मैं उसे हिंदी में मैसेज करूँगा या हिंदी में उससे बात करूँगा तो ऑब्वियसली नहीं समझ पाएगा। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे फेल हो जाएगा, और इसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा क्योंकि जो डेटा मैं सेंड करना चाहता था वो सेंडर समझ ही नहीं पाया, उस तक पहुँचा ही नहीं, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स हमारे पास होते हैं कि किस लैंग्वेज में भेजना है, ठीक है, ये हमारे पास सारे सेट ऑफ रूल्स हैं। कि सेट ऑफ रूल्स सेट कर दिया जाता है कि हम इंग्लिश में ही बात करेंगे तो सब लोग हमारी बात समझ पाएंगे। फिर है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेटवर्क अरेंजमेंट कनेक्शन कनेक्टिंग वेरियस नोड सेंडर रिसीवर थ्रू लाइन्स ऑफ कनेक्शन। क्या होता है, आपको अगर कोई आपका अरेंजमेंट, मान लीजिए आप किस तरीके से, अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं घर के अंदर, आपको उनका नेटवर्क बनाना है, आपस में कनेक्ट करना है उन सबको, कि वो आपस में डेटा शेयर कर पाएँ, इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएँ, तो आप उनको, आपके पास क्या क्या तरीके हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करने के, वेरियस तरीके हैं, आप उनको अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो क्या तरीका है आपके पास, उस तरीके को, उस अरेंजमेंट को, जिस अरेंजमेंट को आप फॉलो करेंगे उसे कहा जाएगा नेटवर्क की टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आप देखो बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। क्या है केबल, एक सिंगल केबल है आपके पास, एक लंबी सी आपने केबल ले ली और उसके अंदर से आप ड्रॉप लाइन, ये छोटी छोटी केबल्स निकाल रहे हो, ये आपकी पूरी लंबी सी केबल हो गई एक, ठीक है,
आप इसके अंदर से छोटी छोटी केबल्स, ड्रॉप लाइन जिसको कहते हैं, निकाल रहे हो और कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो उनसे। तो ये जो आपकी लंबी सी केबल हो गई, ये तो इसको बोले बोला जाएगा बैकबोन केबल, बैकबोन केबल, बिकॉज ये आपकी बैकबोन है नेटवर्क की, ठीक है। और ये होगी ड्रॉप लाइन्स, जिससे आप इनमें से एक छोटा सा वायर लेकर कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एक सिंगल लाइन से, जब एक सिंगल केबल से आपका पूरा नेटवर्क चल रहा है, सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो पा रहे हैं, उस पर रिलाई कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा बस टोपोलॉजी, ठीक है। बस टोपोलॉजी क्या है? इसके अंदर फीचर्स, सेंड्स डेटा इन ओनली वन डायरेक्शन, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद अ सिंगल केबल, ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ बस टोपोलॉजी में देखिए क्या है, ये चीप होती है, या आपको एक ही केबल चाहिए, केबल रिक्वायरमेंट आर द लोएस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क, सिंगल केबल में काम हो जाता है। ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज, बिकॉज आगे हम वो टोपोलॉजीज भी देखेंगे जिसमें हमारे पास बहुत सारी केबल का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से उन नेटवर्क की, उन टोपोलॉजीज की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसको एक छोटे नेटवर्क के लिए यूज़ करना है, जो है एफिशिएंट रहता है, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। क्या है, एक सिंपल केबल है, उसके साथ सब डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो आपको ज़्यादा समझने में दिमाग नहीं लगाना कि कौन कहाँ से कैसे कनेक्ट हो रहा है। इट कैन बी इजीली एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड बाय कनेक्टिंग टू केबल्स। आप केबल की लाइन को और लंबा कर दो, केबल के एंड से दूसरी केबल के एंड को जोड़ दो, और उस नई केबल से और ड्रॉप लाइन्स निकाल के और कंप्यूटर्स ऐड कर दो। डिसएडवांटेजेस, इफ़ अ केबल फेल्स द एंटायर नेटवर्क फेल्स। इफ अ केबल फेल्स का मतलब है यहाँ पे बैकबोन केबल, ना कि ड्रॉप लाइन्स। अगर आपकी बैकबोन केबल फेल हो गई, तो भाई आपका पूरा नेटवर्क गया, क्योंकि सब उससे ही कनेक्टेड है। इफ देयर इज अ लॉट ऑफ नेटवर्क और लॉट ऑफ नोड्स, द नेटवर्क परफॉर्मेंस विल सफर। क्या है, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, क्योंकि सारा नेटवर्क जो है, सब ट्रांसमिशन एक ही आपकी केबल पे चल रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स। देयर इज अ लिमिट टू लेंथ ऑफ द केबल। केबल की लेंथ की भी एक लिमिट होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसकी लेंथ, तो डेटा आपका लॉस होने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। इट इज़ कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर एंड फॉर्म्स अ रिंग व्हेन द लास्ट कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट कंप्यूटर, एग्जैक्टली टू नेबर्स पर डिवाइस। तो आपकी जो बहुत सारी नोड्स हैं, उनको आप आपस में कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, एक दूसरे से नहीं मतलब बल्कि एडजेसेंट से, बराबर वाली से। और कनेक्ट करने के बाद आपकी जो बनती है शेप, वो एक रिंग जैसी बनती है। यहाँ पे आप इमेज में अगर देख सकते हैं, तो आपकी बन गई एक रिंग, बन गई रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। एंड फॉर्म्स अ रिंग व्हेन लास्ट कंप्यूटर एग्जैक्टली टू नेबर्स पर डिवाइस। एक कंप्यूटर एग्जैक्टली दो कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एक कंप्यूटर जो ये वाला है, जिसमें मैंने सर्कल बनाया, ये दो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर फीचर्स फॉर रिंग टोपोलॉजी, मैनी नोड्स मल्टीपल रिपीटर्स आर यूज्ड। दिस इज बिकॉज इफ यू वांट टू सेंड डेटा टू लास्ट नोड इन अ 100 नोड रिंग टोपोलॉजी, द डेटा मस्ट गो थ्रू 99 नोड्स एंड रीच द 100th नोड। Therefore, repeaters are used in this network to prevent data loss. हमें repeaters की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बहुत सारे हमारे devices connected हैं, तो उसमें जो है हमारा data 99 nodes के through जा रहा है। अगर 100 हमारी उसके अंदर nodes हैं, और 100 पे भेजना है मुझे, तो मेरा data loss हो सकता है। इसलिए repeators, ताकि वो connection को, जो information को amplify कर पाए, इसलिए हमें network उसको prevent करने के लिए, data loss को prevent करने के लिए repeaters की इसमें ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसमिशन इज़ यूनि डायरेक्शनल, बट इट कैन ऑल्सो भी बाई डायरेक्शनल बाई एस्टैब्लिशिंग टू कनेक्शन बिटवीन ईच नेटवर्क नोड। दिस इज़ कॉल्ड डुअल रिंग टोपोलॉजी। तो डुअल रिंग टोपोलॉजी में क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारी नोड्स हैं, मैंने इनको ऐसे 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 कनेक्ट करा, और एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है, तो ये ऐसे फ्लो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और केबल से इनको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे आपस में, और इसके अंदर जो डेटा चल रहा है उसका मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, बल्कि ऐसे कर देता हूँ, तो ये डायरेक्शन ऐसे चल रहा है, तो ये क्या बोली जाएगी, ये होगी हमारी डुअल रिंग टोपोलॉजी। अब इसके फीचर्स देखो, इन अ डुअल रिंग टोपोलॉजी टू रिंग्स नेटवर्क्स आर फॉर्म्ड इन विच डेटा फ्लोस फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ वन रिंग फेल्स द सेकंड रिंग कैन सर्व एज अ बैकअप टू कीप द नेटवर्क रनिंग। तो इसके अंदर अगर हमारी एक रिंग फेल हो जाती है, तो हमने जो उल्टी डायरेक्शन में रिंग चलाई है, उसके थ्रू हमारा कनेक्शन बरकरार रह सकता है, हमारा नेटवर्क फेल नहीं होगा। डेटा इज सेंट बिट बाय बिट इन सीक्वेंस, द ट्रांसमिटेड डेटा मस्ट पास ऑल नोड्स ऑफ नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन नोड। हमारा डेटा जो है हर नोड से होकर गुजरता है। अगर उस नोड को वो डेटा नहीं चाहिए, मान लीजिए 1 2 3 4,
मेरा डेटा ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अगर मुझे इस वाली नोड से इस वाली नोड पे डेटा भेजना है तो वो इन नोड्स के थ्रू होके जाएगा, ठीक है। तो अगर इन नोड्स को उस डेटा की इनको ज़रूरत नहीं है, मतलब इनके लिए वो डेटा इंटेंडेड नहीं है, तो ये उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और जब इस पे पहुँचता है तो ये रख लेता है। तो हमारा डेटा हर नोड से होके गुजरता है इसके अंदर, ठीक है। एडवांटेजेस क्या आ गई, द ट्रांसमिशन नेटवर्क इज़ नॉट अफेक्टेड बाई इंक्रीज ट्रैफिक और द एडिशन ऑफ नोड्स बिकॉज ओनली द नोड विद द टोकन कैन सेंड डेटा। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या है कि जैसे इन डिवाइसेस को आपस में डेटा को सेंड करना है, तो जिस इसके पास हमारे पास होता है एक टोकन, छोटा सा टोकन, तो जिस नोड के पास वो टोकन है वो उस डेटा फिर वो डेटा को ट्रांसमिट करेगी पूरे नेटवर्क पे उस टाइम पे। तो 1, 2, 3 और 4 नोड्स हैं ये, तो अगर 1 के पास टोकन आता है तो 1 अब अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकती है पूरे नेटवर्क पे। जब वो अपना डेटा ट्रांसफ़र कर देगी तो इस टोकन को वो रिलीज़ कर देगी। इस टोकन को रिलीज़ करते ही ये नेक्स्ट नोड के पास जाएगा। अब जिस नोड के पास है इस टाइम पे सिर्फ ये वाली नोड जिस पे टोकन है ये वाली नोड डेटा भेजेगी, ट्रांसमिट करेगी, और जब ये करेगी तो और कोई नोड उस वक्त ट्रांसमिट नहीं कर रही होगी। तो पूरे नेटवर्क उस टोकन का उस रिंग उस डिवाइस का हो जाता है जिसके पास टोकन होता है जिस टाइम पे। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सटेंड। ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, ट्रबल शूटिंग इज़ डिफ़िकल्ट, इसमें ट्रबल शूटिंग डिफ़िकल्ट होती है आपके लिए। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर इंटरप्ट्स नेटवर्क एक्टिविटी, अगर आप मान लीजिए यहाँ से इसको हटाना चाह रहे हैं तो आप इससे भी कनेक्ट डिसकनेक्ट करेंगे, इससे भी करेंगे, तो ये 3 तक 1 अगर डेटा 3 तक भेजना चाह रहे हैं तो नहीं भेज पाएगा क्योंकि वो लिंक यहाँ पर नहीं है, तो आपका नेटवर्क इंटरप्ट होता है। इफ़ 1 कंप्यूटर फेल्स द एंटायर नेटवर्क विल बी डिसरप्टेड, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए यह रिंग बनी हुई है, 1 को 4 पे डेटा भेजना है और डेटा इस डायरेक्शन में चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अगर 2 हमारा लॉस हो गया, ठीक है, तो 4 तक डेटा पहुँच ही नहीं सकता, तो पूरा नेटवर्क हमारा यहाँ फेल हो जाता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमारे पास है ट्री टोपोलॉजी, देर इज़ अ रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू इट फॉर्म टू फॉर्म अ हायरार्की, ऑल्सो नोन एज हायरार्किकल टोपोलॉजी, यू नीड एटलीस्ट 3 हायरार्की लेवल्स। तो आपके अंदर ये क्या है, लेवल 1, 2 और 3 आपके जी ट्री टोपोलॉजी को आप हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, एक नोड जो है उसके साथ और नोड्स कनेक्टेड होती हैं, फिर उसके बाद जो नोड निकल रही हैं, चाइल्ड नोड निकल रही हैं, उनके अंदर और चाइल्ड नोड्स कनेक्टेड होती हैं, तो एक हायरार्की बनती चली जाती है। ओके, तो इनका फीचर्स क्या है ट्री टोपोलॉजी में, ग्रेट फॉर वर्क स्टेशन इन ग्रुप्स। अब आपकी इसकी डिसएडवांटेजेस देखिए जी ट्री टोपोलॉजी के, इट इज़ स्ट्रांगली वायर्ड, भाई वायर का बहुत ज़्यादा इसमें खेल है, कॉस्टली होती है, द एडिशन ऑफ नोड्स मेक्स मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट, आप कहाँ से रिमूव कर रहे हो, कहाँ से ऐड कर रहे हो, पूरा आपका ट्री का स्ट्रक्चर आपको जो है उसमें छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। अब आगे आपकी स्टार टोपोलॉजी, इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल, दिस हब इज सेंट्रल नोड, ये आपका हब है, तो हर डिवाइस इस हब से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब स्टार टोपोलॉजी के अंदर फीचर्स देखिए, ईच नोड हैज़ डेडिकल कनेक्शन, डेडिकेटेड कनेक्शन टू हब, हब के साथ डेडिकेटेड कनेक्शन होता है हर डिवाइस का, और इसके अंदर हम ट्विस्टेड पेयर या फाइबर ऑप्टिक या कोएक्सियल केबल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये फास्ट होता है, हब का अपग्रेडेशन ईजी होता है, फाइंड करना एरर ईजी होता है हमारे लिए इसमें ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही कनेक्शन हो रहा है हर कंप्यूटर के साथ हब के साथ, तो कोई डिवाइस कनेक्ट अगर कोई नोड काम नहीं कर रही है तो उसके कनेक्शन को आप चेक कर लो। सेटअप और मॉडिफाई करना इजी होता है, फेलियर अगर एक नोड का हो रहा है तो पूरे सिस्टम पे फ़र्क नहीं पड़ता उसका। डिसएडवांटेजेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होती है, एक्सपेंसिव टू यूज़, फेलियर ऑफ हब कॉजेज एंटायर नेटवर्क टू बी डाउन, परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ हब। बहुत बेसिक है, इन सब चीज़ों को मुझे लगता नहीं कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ओके, सब सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हैं यहाँ पे। फिर आपके पास मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपका हर डिवाइस अलग डिवाइस, हर डिवाइस हर एक दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होता है। आप ये देख रहे हो ये वाला डिवाइस है, इसको मैंने इससे भी करा, इससे भी कनेक्ट करा, फिर इससे भी कनेक्ट करा, इसी तरीके से इस डिवाइस को इससे भी करा, इसको भी करा, इसको भी करा, हर डिवाइस आपस में एक दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है मैश टोपोलॉजी में डेडिकेटेड लिंक के थ्रू। हर डिवाइस का एक दूसरे डिवाइस के साथ डेडिकेटेड लिंक है। फीचर्स रोबस्ट, जल्दी से फेल नहीं होगा, पर फ्लेक्सिबल नहीं है भाई। एडवांटेजेस, हर कनेक्शन पे जो है अपना ही लोड कैरी करता है, ठीक है, हर डिवाइस के बीच में डेडिकेटेड लिंक है तो उनके बीच में उनका ही लोड होगा और किसी का लोड नहीं होगा। फॉल्ट इजीली मिल जाता है, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, क्योंकि डेडिकेटेड लिंक के थ्रू डेटा जाता है।
इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट होती है भाई, बहुत सारे हमें डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, केबल बहुत ज़्यादा लगती है और बल्क वायरिंग होती है, तो केबल की कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर। फिर हमारे पास है हाइब्रिड टोपोलॉजी, दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज दैट आर हाइब्रिड ऑफ टू और मोर। इसमें क्या है, मैंने क्या किया, मैंने मल्टीपल टोपोलॉजीज़ को कनेक्ट कर लिया। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी यहाँ पे 1 2 3 4, ये मेरा स्टार टोपोलॉजी है और ये है मेरा हब। अब मैंने क्या करा, ये तो स्टार टोपोलॉजी हो गई, मैंने इससे एक वायर कनेक्ट कर दी, इसमें से ड्रॉप लाइन लेनी शुरू कर दी और यहाँ पे मैंने जो है कनेक्ट कर दिया और नोड्स को, तो इतना हिस्सा जो है ये तो बस टोपोलॉजी हो गया, ये हो गया स्टार टोपोलॉजी और ये कनेक्ट हो गए आपस में, तो भाई ये मेरा क्या बन गया, हाइब्रिड टोपोलॉजी। दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज़ को अगर हम एक ही नेटवर्क में इंप्लीमेंट करें तो वो कहलाएगी हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसके फीचर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजीज, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द टोपोलॉजीज का इनहेरिटेज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ इंक्लूडेड टोपोलॉजी, तो हर टोपोलॉजी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस उसमें आ जाती है अगर अलग अलग टोपोलॉजीज इसमें अंदर हम इंक्लूड करते हैं तो। फिर है क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, एडवांटेजेस क्या हैं, इट इज़ रिलायबल बिकॉज ईजी टू डिटेक्ट एंड ट्रबल शूट एरर्स, इट इज़ इफेक्टिव, इट्स स्केलेबल बिकॉज यू कैन ईजिली इंक्रीज द साइज़, आप कोई भी इसके अंदर टोपोलॉजी को ऐड कर दो, फ्लेक्सिबल होती है, कोई भी टोपोलॉजी ऐड कर दो। देखो वही बात आ गई, डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कॉस्टली हो जाती है क्योंकि मल्टीपल इसके अंदर हम टोपोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपकी यूनिट 2 फिनिश हो गई है, थैंक यू।